इमोशनल, रोमांटिक, प्यारा, मतलब ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा न्यू होगा पार्ट का. उसमें मेरा कैरेक्टर बहुत अलग है क्योंकि हम आज तक मेरे और एल्विश को के सॉन्ग को आप लोग सबको मिलता नहीं. ये गाड़ी में घुस जाए. टीजर आया है, कैमरा पीछे लो ना थोड़ा. टीजर आ चुका है, आप लोग ने देखा टीजर? यस यस. हां तो क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड हो क्योंकि गाना इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ कि ऑडियंस हम लोग को इतना प्यार दे रहे हैं और हम चाहेंगे कि मेरे और एल्विश को के सॉन्ग को आप लोग सब बहुत प्यार दीजिए और ये सॉन्ग सुपर डुपर हिट बनाइए. मैम जैसे कि टोनी शाह हो गया, अभी एल्विश हो गया, फिर अभिषेक के साथ में? बस बस जल्दी उसके साथ भी आएगा. अभी कौन कौन से आने वाले प्रोजेक्ट अभी आपको देख सकते हैं? बस इसके बाद टी सीरीज के साथ आ रहा है पार्ट का सॉन्ग मेरा और पार्ट का, वो भी आई थिंक पार्ट के पार्ट के सॉन्ग को काफी हाइप क्रिएट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं फैंस काफी पसंद कर रहे हैं, तो इस पे क्या टेक आपका? हाँ मेरा भी है कि टी सीरीज का जो सॉन्ग है मेरा और पार्ट का, उसमें मेरा कैरेक्टर बहुत अलग है क्योंकि हम आज तक डांस वांस किए लेकिन उसमें अलग ही आप लोगों को देखने मिलेगा मनीषा रानी. कहीं ना कहीं एक इमोशनल कैरेक्टर आपका दिख के आ रहा है जो अब तक जो आया है. इमोशनल, रोमांटिक, प्यारा, मतलब ये मेरे लिए बहुत ज्यादा न्यू होगा. कितना चैलेंजिंग रहा था? चैलेंजिंग तो था, थोड़ा बहुत नर्वस भी थे क्योंकि कभी एक्टिंग की नहीं थी, लेकिन जब डायरेक्टर ने करवाया कि ये तो सब बहुत अच्छा हुआ. अब देखिएगा आप लोग सॉन्ग तो फिर बताएंगे. अच्छा बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हैं आप? बिग बॉस 17 नहीं कर रहे हैं? मनीषा जी हनी काफी फाइट भी हो रहा है क्या? फाइट काफी चालू हो गया अभी से? नहीं देखिए भैया, हमने जो इंस्टा पे थोड़ा बहुत आता ना वही देखे. आपका फेवरेट कोई है बिग बॉस में जो? मैंने अभी देखा ही नहीं एक दो दिन में, फिर कैसे बता सकते. ठीक है फिर मिलते हैं. ओके ओके, मनीषा जी हनी सिंह का सॉन्ग आया अभी. हाँ अच्छा, रिकॉर्ड बहुत अच्छा, मतलब रिकॉर्ड भी तोड़ अच्छा है, ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं. बहुत अच्छे सिंगर है. हाँ ठीक है भैया, बाय. ओके बाय, थैंक यू, धन्यवाद. बाबू बेहतर जाने दो भाई. अरे हो गया था, पैर देख लो, पैर देख लो.